हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। मैं आप सभी का दोस्त ऋषभ अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का इंजीनियरिंग इनोवेशन यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, हम आ चुके हैं बहुत ही आगे। आज है लेक्चर नंबर 8, प्रतिशत का। जी हाँ दोस्तों, पिछले 7 लेक्चर्स में मैंने आपसे बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे और अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स और उनकी शॉर्टेज डिस्कस किए हैं। आई होप आपने वो 7 लेक्चर अभी तक कवर कर लिए हैं और कोई भी बैकलॉग आपका नहीं चल रहा है। तो दोस्तों, आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, आज तो भाई हर एक स्टूडेंट की समस्या डिस्कस होने वाली है कि भाई एक स्टूडेंट था, इतने नंबर से पास हो गया या इतने नंबर से फेल हो गया। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले पास और फेल कॉन्सेप्ट, पास फेल वाला कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है वो तो हम सीखेंगे ही, बहुत अच्छे से सीखेंगे, काफी सारे क्वेश्चन है। लेकिन उससे पहले, जैसा कि हर वीडियो में आ रहा है, एक वार्म अप क्वेश्चन हम करने वाले, एक या दो वार्म अप क्वेश्चन करने वाले हैं पिछले कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े हैं उनको लेके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये है, यहां पे इनकम और इनकम टैक्स की बात हो रही है। एक सिंपल सी चीज डिस्कस करना चाहता हूं क्वेश्चन को पढ़ने से पहले। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी महिला महीने की जो इनकम है वो 1,00,000 रुपए है, ठीक है सर, और हर महीने उसकी इनकम पे 10% का कर लगता है, टैक्स लगता है। तो इनकम है 1,00,000 रुपए, 10% का कर लगता है, तो कितना टैक्स पे करेगा वो, 1,00,000 का 10%, 10,000 रुपए पे करेगा। मतलब इनकम इनटू अगर टैक्स करोगे, इनकम 1,00,000 इनटू 10% करोगे तो इनकम टैक्स निकल के आता है 10,000 रुपए निकल के आता है। अब इस क्वेश्चन में क्या खास है कि यहां पे बोल दिया है अभी भी वह उतना ही कर देता है जितना पहले देता था, मतलब जो इनकम टैक्स है वो सेम है। तो फिर इनकम क्या हो जाएगी, टैक्स रेट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। चलिए, इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाए हैं, आपको याद होगा। चलो भाई क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1.2 लाख रुपए की वृद्धि होती है, ठीक है भैया, बढ़ गई सैलरी, काम किया होगा उसने अच्छे से, परंतु आय पर लगने वाला कर 12% से 10% हो जाता है। इसका मतलब क्या है, जो टैक्स की रेट है, टैक्स की रेट वो 12% से 10% हो गई है। तो भाई 12 मतलब ये 2 से कटेगा 6 और ये आ गया 5, तो 6:5 उसका रेशियो आ गया। अब सिंपल सी बात है, जब इनकम टैक्स अगर वो पहले भी जितना पे कर रहा था अभी भी उतना ही कर रहा है, तो जो इनकम है वो टैक्स की इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो इनकम का रेशियो क्या बनेगा दोस्तों, फिर सर इनकम का रेशियो बनेगा 5:6। क्या समझ में आया इसको देख के, कि 5 से इनकम 6 हो गई, बढ़ गई, कितना यूनिट बढ़ी, 1 यूनिट बढ़ी। हमारे हिसाब से कितना यूनिट बढ़ी, 1 यूनिट बढ़ी, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में कह रहा है कि वो 1.2 लाख रुपए की इंक्रीमेंट आई है उसकी इनकम में। तो सिंपल सी बात है भाई, ये जो 1 यूनिट हमारा आया है वो 1.2 लाख मान लिया जाएगा। क्वेश्चन में कहा है कि 1.2 लाख रुपए बढ़ गई है, हमें दिख रहा है कि 1 यूनिट बढ़ी है, तो 1 यूनिट और 1.2 लाख रुपए बराबर। उसने पूछा क्या है, बढ़ी हुई आय कितनी है, तो बढ़ी हुई आय तो 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट कितना हो जाएगा, 6 × 1.2 बोले तो 7.2 लाख, और ये आपका पहला क्वेश्चन सिंपल सा। ठीक है, मजा आया ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक और क्वेश्चन करवाता हूं, देखिए। अरे ये क्या, तो देखिए दोस्तों, यहां पे आपको दिख रहा है एक टेबल का चार्ट। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पॉज करें, अगर आपको ये टेबल्स पहले से याद है तो इनको एक बार रिवाइज कर लें मन ही मन में, और अगर नहीं है, आपको नहीं पता, तो जो भी टेबल आपको नहीं याद, जहां से भी नहीं याद, वो पूरा का पूरा आप एक ब्लैंक पेज लीजिए और ढंग से इसको उतार के दीवार पे चिपका लीजिए, ठीक है ना। चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मैन की एनुअल इनकम इंक्रीज हुई है 2.6 लाख से, है ना, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2.6 लाख रुपए से बढ़ी है, लेकिन उस पर आय पर टैक्स जो है जिसका उसे भुगतान करना है वह 17.1% से 13.3% हो गया है। मतलब जो टैक्स की रेट है देखिए वो कम हो गई है, 17.1% से 13.3% हो गई है। अब देखिए पते की बात तो ये है, वो टेबल मैंने यहां पे लेके क्यों आया, क्योंकि अगर कुछ बच्चों को नहीं पता है कि ये दोनों 17.1 और 13.3 किसकी टेबल में आते हैं, तो वो टेबल देख के आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत गया, ठीक है, डेसिमल से डेसिमल गया, क्योंकि एक एक डिजिट पहले है, तो 171:133 बच गया। अब ये आता है दोस्तों 19 की टेबल में, 19 × 171 × 19 = 133 होता है, तो टैक्स की रेट आ गई 9:7, बहुत ही बढ़िया अप्रतिम। अब इनकम की रेट क्या हो जाएगी,
मतलब इनकम का रेशियो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 7:9। तो इनकम 7 थी 9 हो गई, कितनी बढ़ गई इनकम, 2 यूनिट बढ़ी सर, प्लस 2 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था 2.6 लाख रुपए बढ़ी है, तो हमारा जो 2 यूनिट है वो 2.6 लाख रुपए के बराबर है, 1 यूनिट 1.3 लाख रुपए के बराबर हो जाएगा। पूछ रहा है प्रारंभिक आय कितनी है, प्रारंभिक आय पहले कितनी थी, तो पहले कितनी यूनिट थी आप ही बता दो सर, पहले तो 7 यूनिट थी, बढ़ के 9 यूनिट हुई है, प्रारंभिक 7 थी तो 1 यूनिट 1.3 लाख है, तो 7 यूनिट 7.3 भाई 9.1 लाख रुपए हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया सीधा सीधा सा ए, 9.1 लाख। हो गया दिमाग गरम, एकदम वार्म अप हो गया ना, बिल्कुल सॉरी दिमाग गरम मतलब बॉडी गरम हो गई ना, वार्म अप हो गया, यस सर। चलिए अब मैं आपको एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट सिखाता हूं पास फेल वाला, कैसे करते हैं देखिए। इधर क्या लिखा हुआ है, देखिए यहां पे जो लिखा हुआ है ये बहुत ही एक सिंपल सी नॉर्मल सी चीज लिखी है। पहले मैं आपको एक बार क्या करता हूं, क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं कि यहां पे क्या लिखा है, फिर इस पे वापस आएंगे। देखिए क्वेश्चन करते हैं पहले एक, देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए समझिए। यदि 35% उत्तीर्ण अंक है, कोई भी एग्जाम है उसमें 35% नंबर अगर आ जाए तो वो पास हो जाएगा। कितने नंबर का पेपर है ये मालूम नहीं है, लेकिन अगर 35% नंबर आ गए तो वो पास हो जाएगा। एक छात्र को 200 अंक प्राप्त होते हैं, एक छात्र को 200 अंक मिले फिर भी वह 24 अंकों से असफल हो जाता है। भैया 200 में भी 24 नंबर कम रह गए उसके, है ना, 200 नंबर का पेपर था 24 नंबर कम रह गए, तो फिर पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे, 224 नंबर चाहिए थे, 200 में 24 और आ जाते तो पास हो जाता। और पास का परसेंटेज कितना है, वो कह रहा है कि 35% चाहिए पास होने के लिए। तो कहने का मतलब क्या है कि 35% किसके बराबर हो गया, 200 नंबर प्लस 24 नंबर, समझे, मतलब 224 नंबर 35% के बराबर हो गया। समझ में आई बात, आ गई सर। 35% कौन सी चीज है, पासिंग मार्क्स है, पासिंग परसेंटेज है। पूछ रहा है मैक्सिमम मार्क्स क्या है, किसी भी एग्जाम में कोई भी पूरा का पूरा मानना है, पूरा वैल्यू निकालनी है तो वो होती है 100%, है ना। जैसे मान लीजिए ये एक पेन है, तो ये पेन अभी क्या है, एक पेन है या 100% पेन है, इसको आधा काट देंगे तो आधा पेन रह जाएगा या 50% रह जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स का मतलब है पूरा एग्जाम कितने नंबर का था, तो परसेंटेज में वो हमेशा 100% होगा। तो आपको 35% जब 224 दे रखा है, 100% तक पहुंचना है। कैसे पहुंचा जाएगा, सिंपल सी बात है, 1% कितनी वैल्यू होगी, 224/35 हो जाएगी, और 100% कितनी वैल्यू हो जाएगी, 224/35×100, बस हो गया खेल खत्म। अब देखिए जो 35 है वो किससे कटता है दोस्तों, 7 से कटता है, आप सब जानते हैं 7×5=35, 224 भी उसी से कटेगा, 7×31=14, 32/5×100, 5 से 100 जाएगा 20 बार में, 32×20 होता है 640। तो पेपर कितने नंबर का था, 640 नंबर का था, आंसर आ गया सी। अब चलता हूं उस कॉन्सेप्ट पे, वो क्या कह रहा था, देखिए कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल और सस्ता सा था। कह रहा है किसी एग्जाम में एक कैंडिडेट को एक्स परसेंट नंबर चाहिए पास होने के लिए, जैसे हमारे क्वेश्चन में 35% चाहिए था, फिर अगर उसके नंबर ए मार्क्स आए, चलिए ठीक है, अगर उस इंसान के ए मार्क्स आए और वो बी मार्क्स से फेल हो गया, तो मैक्सिमम मार्क्स का फॉर्मूला बनता है a+b/x/100। जैसे अगर हम अपने क्वेश्चन में लगाएंगे तो कैसे लगेगा, बहुत ही सिंपल तरीके से, ए कितना है 200 नंबर, बी कितना है 24 नंबर, तो 200+24/x मतलब 35 और इंटू 100, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यह है शॉर्ट ट्रिक। तो क्या हो गया भाई क्वेश्चन में, देखिए 224/35×100 वही चीज बन गई ना जो सॉल्व की थी, बिल्कुल सही बात है सर, कितना आ गया 640 आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, वैसे इसमें जरूरत नहीं है आपको, बहुत ही सिंपल सी चीज है, आप ऐसे भी सोचेंगे तो आसानी से हो जाएगा, मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे बस। चलिए तो देखिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन में ऐसा क्या कह रहा है, चलो पढ़ लेते हैं एक बार। देखो यार यहाँ पे बोल रहे हैं एक छात्रा को जर्मन की तुलना में फ्रेंच में 66 अंक ज्यादा मिलते हैं, अधिक मिले हैं, मतलब जर्मन की तुलना में फ्रेंच में ज्यादा मिले हैं, ठीक है, फ्रेंच में 66 नंबर ज्यादा मिले, ठीक है।
उसके जर्मन अंक उसके फ्रेंच और जर्मन अंकों के योग का 28% है। मतलब जो जर्मन के अंक है, जो जर्मन लैंग्वेज में अंक मिले हैं, मार्क्स मिले हैं, वो फ्रेंच और जर्मन के कंपैरिजन में उसके 28% है। अब 28% कितना होता है दोस्त? तो सिंपल सी बात है, 28% में छुपा है 7 और 4। अब 4% क्या होता है? 1/25 होता है। तो ये हो जाएगा 7/25, समझ गए? ये 28% है। क्या बोल रहे हैं? फ्रेंच और जर्मन अंकों का योग वो हो गया ये, और जर्मन के अंक कितने हैं इन योग का 28%। मैंने आपको बताया था ना, अगर ये 25 है तो इसका 28% क्या होता है, रिजल्ट आता है ऊपर। मतलब जर्मन के अंक हो गए 7। तो फ्रेंच और जर्मन, जर्मन के अंक है 7, फ्रेंच के कितने होंगे? जब दोनों के मिला के 25 हो तो 25-7 मतलब 18 हो गए। तो जो फ्रेंच के अंक है वो क्या है, जर्मन से ज्यादा है। कितने ज्यादा है? प्लस का 11 ज्यादा है। और हमसे क्वेश्चन में बोला गया था छात्रा को जर्मन की तुलना में फ्रेंच में 66 मार्क्स ज्यादा मिले हैं। तो वो कह रहा है 66 मार्क्स ज्यादा मिले हैं, तो 11 किसके इक्विवेलेंट हो गया? 66 के। तो एक यूनिट किसके इक्विवेलेंट हो गया? 6 के इक्विवेलेंट हो गया। पूछ रहा है उसके फ्रेंच अंक क्या है, फ्रेंच अंक कितने यूनिट है? 18 यूनिट। एक यूनिट 6 है तो 18 यूनिट कितना हो जाएगा दोस्त? 18 × 6 मतलब 108। तो 108 है उसके फ्रेंच मार्क्स। क्लियर है ना? बहुत ही सिंपल सी चीज है। चलो एक और क्वेश्चन कराता हूं, देखिए। सो दोस्तों, अब ये जो क्वेश्चन आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक ऐसा बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन है, इसमें अच्छे अच्छे स्टूडेंट धुआं फेंक जाते हैं, समझ में ही नहीं आता कि ससुरा क्या कह रहा है। मैं आपको एक ऐसा मेथड और ऐसी बेसिक सी चीज बताऊंगा जो आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगी और आप चाह के भी उसे नहीं भूल पाओगे। चलो भाई डिस्कस करते हैं, ऐसी क्या चीज है सर? तो देख लो यार, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले समझना है। यदि कोई छात्र 43% अंक प्राप्त करता है, 43% मार्क्स आ जाते हैं किसी एग्जाम में, देन ही इज फेल्ड बाय 72 मार्क्स। 43% नंबर अगर लेके आया तो भी 72 मार्क्स कम रह गए पासिंग से, पास होने के लिए जितने चाहिए थे। बट वेन ही स्कोर्स 57% मार्क्स, ही इज पास्ड बाय 40 मार्क्स। अगर 57% मार्क्स लेके आ रहा है तो 40 मार्क्स से पास हो गया है। पूरा का पूरा गेम पासिंग मार्क्स पे खेल रहा है, पासिंग मार्क्स से इतने कम, पासिंग मार्क्स से इतने ज्यादा। तो क्यों ना हम इस पासिंग मार्क्स को पकड़ लें, इसको कुछ मान लेते हैं। मान लो सर, अब आप कह रहे हो तो फिर मानना ही पड़ेगा हमें, और कोई चारा क्या है बे? पासिंग मार्क्स को ले लिया एक्स, ये हो गए एक्स मार्क्स। पहले ये वाली कंडीशन लगा देते हैं, बड़ी वाली। 57% नंबर अगर उसके आ जाते हैं तो वो 40 नंबर से पास हो जाता है। तो एक्स नंबर तो आए ही आए, पासिंग मार्क्स 40 और आ गए। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि 43% नंबर अगर लेके आता तो 72 नंबर से फेल हो जाता, मतलब पासिंग में से 72 नंबर कम आए हैं। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब कर दो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू। तो देखो कर दिया सब्ट्रैक्ट, यहां पे देखो वैल्यू आ जाएगी। कैसी वैल्यू आएगी देखो, समझो 57-43 क्या होता है? 14% होता है। पहली बात, इसको लिखोगे एक्स प्लस 40, फिर लिखोगे माइनस टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 72। तो ये कितना आ जाएगा? एक्स से एक्स कटेगा बेटा, एक्स प्लस 40 माइनस एक्स प्लस 72, ब्रैकेट खोल के ये हो जाएगा, एक्स से एक्स निपट जाएगा, 112 आ जाएगा। यहां से आपको एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार चीज मिली, क्या? कि 14% नंबर 112 मार्क्स है। जो एग्जाम है जिसमें हमें कुछ ना आता पता था कि कितने नंबर का पेपर है, क्या है क्या नहीं है, हमें कुछ नहीं पता था। अब हमारे पास एक बहुत बड़ी चीज आ गई कि एक ऐसा एग्जाम हो रहा है जिसमें 14% मार्क्स 112 के बराबर है। तो क्या आप उसका टोटल नंबर निकाल सकते हैं, कितने नंबर का पेपर था? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 14% 112 है तो 1% कितना हो जाएगा? 112/14, 14 × 8 = 112 होते हैं। तो 100% पेपर कितने का हो जाएगा? 800 मार्क्स का। यस, मतलब एक ऐसा पेपर है, एक ऐसा एग्जाम चल रहा है जिसमें 800 नंबर है टोटल। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? पूछ रहा है पासिंग परसेंटेज, पास होने के लिए कितना प्रतिशत नंबर चाहिए।
कोई भी इक्वेशन पकड़ सकती हूँ इसमें से, ये वाली और ये वाली। मैं ये वाली पकड़ लेता हूं, 57% वाली, है ना। क्या कह रहा है कि जब 57% मार्क्स आएंगे तो 40 मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे। आप क्या करिए, आप यहां पे लिखिए 57% बराबर x प्लस 40। x बराबर क्या हो जाएगा, 57% मार्क्स माइनस 40। 57% मार्क्स माइनस 40। अब आप ही बता दीजिए 57% किसका निकालेंगे, टोटल मार्क्स का। तो टोटल मार्क्स का 57% कैसे निकालेंगे, 57 अपॉन 100 इनटू 800 माइनस का 40। ये क्या हो जाएगा भाई, 100 से जाएगा 8 बार में, 57 इनटू 8 करना है तो इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा भाई, 8 सत्ते होता है 56 की 6 और 5 8 5 40 5 45 456 माइनस 40, ये कितना आ गया, मतलब 416 आ गया। तो 416 मार्क्स उसे लाने हैं पास होने के लिए। परसेंटेज में निकालने तो परसेंटेज में निकाल दीजिए, 416 800 का कितना परसेंट होता है, 800 से डिवाइड इनटू 100। तो भाई 100 से गया 8 बार में, 8 पंजे 40, बच गया 1 दुनी 52% मार्क्स उसे चाहिए। कितने चाहिए, 52% मार्क्स उसे चाहिए पास होने के लिए। आया ना समझ में, था एक बड़ा और बेहतरीन क्वेश्चन। लेकिन अब ये जो मैंने आपको पूरा बेसिक डिस्कस किया, इसको मैं फिर से पूरा एक और क्वेश्चन में लगा के दिखाने वाला हूं, जिससे कौन सा बिल्कुल सॉलिड और धांसू हो जाएगा। टेंशन मत लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन कराता हूं इसी के जैसा, कहीं मत जाना। देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। एक परीक्षा में अनीता बहने हमारी 31% अंक मिले और वह 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। हे भगवान, लड़कियां भी फेल होती है, गजब ही कर रहा है ये तो। वाह, अनीता ने 31% नंबर लाए तो 16 नंबर से कम रह गई, तो पासिंग मार्क्स मान लो आप कोई क्या हो गए, x हो गए। 31% नंबर अगर लेके आती है तो x माइनस 16, मतलब 16 नंबर कम आए हैं। 40% नंबर अगर लाती है तो 56 मार्क्स मोर आ जाते हैं, मोर देन दैट रिक्वायर्ड टू पास। 40% नंबर हो गया x प्लस 56, पासिंग से 56 ज्यादा। क्या करेंगे, ये वाला इसको सेकंड इक्वेशन मान लो, इसको फर्स्ट मान लो, सेकंड से फर्स्ट घटा दो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 40 माइनस 31 और ये प्रतिशत बेटा, और ये x प्लस 56 माइनस x माइनस 16, तो 40 माइनस 31 9%, x से x निपट गया, 56 प्लस 16 होते हैं 72। क्या समझ में आ गया यहां से, एक ऐसा एग्जाम हो रहा है जिसमें 9% नंबर 72 के बराबर है, 9% नंबर 72 है, तो कुल प्रतिशत कितना 100%, 1% हो जाएगा 72 अपॉन 9 मतलब 8, तो 100% हो जाएंगे 800। मतलब एक ऐसा पेपर हो रहा है जिसके टोटल मार्क्स कितने हैं, 800 हैं। निकालना क्या है, मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, मतलब x नंबर चाहिए। तो कोई भी इक्वेशन पकड़ लीजिए, x की वैल्यू निकाल दीजिए, काम खत्म। तो देखिए x की वैल्यू निकालेंगे, दूसरी इक्वेशन पकड़ते हैं अपन, तो x आ रहा है बेटा 40% माइनस 56। अब 40% नंबर किसके हैं, 40% है टोटल मार्क्स के, जितने का पेपर है उसका 40% मार्क्स। तो पेपर कितने का था, 800 नंबर का, तो 40% 800 का कितना आएगा, देखो 800 का 40%, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो कितना हो जाएगा 8, 8 इंटू 4 होता है 32, 320 नंबर हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 320 माइनस 56, 10 में से 6 गए 4 बच गए 1, 11 में से 5 गए 6 बच गए 2, 2 में से ये आ गया 264। जी हाँ, पास होने के लिए 264 मार्क्स चाहिए। थोड़ा सा ठहरो, आराम से देखो एक बार, ये दोनों क्वेश्चन को समझाता हूं इनमें क्या डिफरेंस था। वैसे तो कोई डिफरेंस था ही नहीं। देखो यार, यह कोई यदि कोई छात्र 43% अंक प्राप्त करता है तो 72 से फेल हो जाता है, 43% मार्क्स इसके बराबर है, पासिंग से 72 कम। 57% अंक प्राप्त करता है तो 40 अंक से उत्तीर्ण होता है, 57% मार्क्स इसके बराबर है x प्लस 40 के। यहां से आपने सॉल्व करके टोटल मार्क्स निकाल लिए कि पेपर 800 नंबर का था, बहुत ही बढ़िया, पेपर 800 नंबर का था। फिर पूछ रहा है प्राप्तांक परसेंटेज ज्ञात करें, पासिंग परसेंटेज कितना होगा।
तो कोई भी एक इक्वेशन आपने पकड़ ली, मान लीजिए ये वाली पकड़ ली, इसमें से x निकाल दिया, मतलब x निकाल के कितना आ गया भाई, 416 आ गया। तो पासिंग मार्क्स चाहिए 416, लेकिन पासिंग परसेंटेज निकालना था। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, पूरे में से देखते हैं, तो 416 800 का कितना परसेंटेज है, 52% है, तो आंसर 52 आ गया। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या था, एक स्टेप कम थी, इसमें केवल यही पूछा था पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, तो 264 चाहिए। अब ये पूछता कितना परसेंटेज चाहिए, तो 264 800 का कितना परसेंट है वो निकाल देते। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही। देखिए, जब कोई छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तो वह 58 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन 40% अंक प्राप्त करता है तो वह 6 अंकों के साथ असफल हो जाता है, दोनों में ही असफल हो रहा है। तो पहली बात तो अपन वही मान लेते हैं, पास होने के लिए जो मार्क्स चाहिए वो कितने हैं भाई, एक्स। अब बोल रहे कि जब 41% नंबर आए हैं तो 6 अंकों के साथ असफल हो जा रहा है, तो x माइनस 6। जब 28% अंक आए हैं तो 58 अंकों से असफल हो जा रहा है, बहुत ही कम भाई, तो x माइनस 58। आपको क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 13% और ये आ जाएगा बेटा 52, है ना। अब आप सॉल्व कर लेना, आराम से 52 आ जाएगा, इसको देख सकते हैं आप। तो 1% कितना आ गया, 4 के बराबर आ गया। 100% किसके बराबर आ जाएगा, 400 के बराबर आ जाएगा। मतलब पेपर कितने नंबर का है, पेपर 400 नंबर का है। पूछ रहा है पासिंग परसेंटेज कितना होगा। पासिंग परसेंटेज निकालने के लिए पहले पासिंग मार्क्स निकालने पड़ेंगे। पासिंग मार्क्स निकालने के लिए आप क्या करिए, आप इसको पकड़ लीजिए, इस इक्वेशन को, ठीक है। कोई भी इक्वेशन पकड़ सकते हैं, इसको भी पकड़ सकते हैं, इसको भी। एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, तो फिर क्या हो जाएगा, 41% में जब 6 जोड़ देंगे तो x आ जाएगा, x बराबर क्या है, 41% प्लस 6। अब 41% किसका भाई, ऑब्वियस सी बात है, पूरे नंबर का 41%। तो 41% इसका कितना होगा निकाल लेते हैं। 400 का 41% निकालने के लिए 41/100 करना पड़ेगा। 400/100 होता है 4, 4 × 41 कितना हो गया भाई, 164 हो गया। तो 164 लिखेंगे यहां पे, 164 प्लस 6, 170 नंबर चाहिए तब वो इंसान पास होगा, एक स्टूडेंट। लेकिन पूछा है पासिंग परसेंटेज कितना चाहिए, तो 170 नंबर डिवाइड बाय 400 × 100, ये गया भाई 4 बार में, तो 170/4 परसेंटेज चाहिए। अब ये कितना होता है, और 4 से काटो, 4 चौक 16 बच गया 1, 4 दुनी 8 बच गए 2, 42.5% ये चाहिए भैया, 42.5% नंबर उसको चाहिए तब जाके वो पास हो जाएगा। अब ये तो था भाई एक बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन बेसिक मेथड, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं एक ऐसा ब्रह्मास्त्र, एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक, जिससे ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन यू हो जाएगी। चलिए फॉर्मूला दिखाता हूं, देखो भाई इस फॉर्मूले को देखो, आपका भी दिल गदगद हो जाएगा, मजा आ जाएगा। देखो यार क्या कह रहा है, एक परीक्षार्थी एक परीक्षा में एक्स परसेंट अंक प्राप्त करता है और ए अंकों से विफल रहता है, मतलब एक्स परसेंट मार्क्स उसने कैंडिडेट ने स्कोर किए लेकिन फेल हो जाता है ए मार्क्स से। While another candidate who scores Y percent marks gets B more than the minimum passing marks. अगर Y percent score करेगा तो passing marks से इतने ज़्यादा आ जाएंगे। तो maximum marks क्या होंगे? Maximum marks का formula है ये, ध्यान रखना, passing marks का नहीं है, maximum marks का। Maximum marks निकालने के लिए A plus B upon Y minus X कर देने का, जो भी scores है उनको जोड़ दो upon difference in percentage। अब इस question को देखो, इस क्वेश्चन में दे रखा कि 43% मार्क्स हैं और फेल हो रहा है 72 से, 57% मार्क्स लेके आ रहा है तो पास हो जा रहा है 40 से। तो ये क्वेश्चन चटपट कैसे होगा भाई, शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, जो शॉर्ट ट्रिक है वो कहती है आपको निकालना है मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ोगे, ए प्लस बी अपॉन वाई माइनस एक्स करोगे, इंटू 100 करोगे। ए कितना है, फेल पहले कितने नंबर से हुआ, 72 से हुआ, तो वो लिख दो। फिर जब यहां पे देखा B वाला क्या है, 40 मार्क्स ज्यादा आए, तो प्लस का B 40 डिवाइड बाय Y माइनस X। बाद में परसेंटेज कितनी थी, 57, छोटी परसेंटेज कितनी है, 43। तो 57 माइनस 43 इंटू 100, क्या काम खत्म, 112 अपॉन 14 इंटू 100,
वही वाली चीज आ गई, 14 अट्ठे 112, 800 मार्क्स का पूरा पेपर था। पूछ रहा है पासिंग परसेंटेज, तो पासिंग परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, वही वाली चीज है, एक्स आपको निकालना है कि 43% मार्क्स जब आ रहे हैं तो 72 से फेल हो रहा है, 43% मार्क्स आ रहे हैं तो 72 से फेल हो रहा है। तो एक तो 43% मार्क्स उसके आ जाए, इतने परसेंटेज तो चाहिए ही चाहिए पास होने के लिए, पासिंग परसेंटेज है ये 43% तो चाहिए ही चाहिए, प्लस 72 नंबर और ले आया, जितने से फेल हो रहा था अगर उतने नंबर और ले आया तो पास हो जाएगा। तो 72 नंबर अपन को ये पता करना है कितने परसेंटेज है, 72 मार्क्स कितने परसेंटेज है, किसके, 800 के, तो डिवाइड बाय 800 और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, काम खत्म। 72 से गया बेटा, ये कितनी बार में गया, 8 से गया एक बार में, तो 100 और 8 90, ये कितना आ गया, 100 से 100 कट गया 9, 43 प्लस 9 मतलब 52% हो गया जादू, यस आ गया ना 52%, देखो ये रहा 52%, काम खत्म। ठीक है, इस तरीके से, इस फॉर्मूले से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए अब मैं कुछ आगे के क्वेश्चंस और कराता हूं और डिस्कशन करता हूं। देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिए भाई, किसी परीक्षा में विद्यालय एक्स के कुछ छात्र शामिल हुए और 30% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो एक्स के कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, उसमें से 30% छात्र जो है वो फेल हो गए, 30% स्टूडेंट्स फेल हो गए। 150% मोर स्टूडेंट्स देन दोज फ्रॉम स्कूल एक्स, विद्यालय एक्स के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र विद्यालय वाई से शामिल हुए। तो पहली बात तो आप एक्स के कुछ परसेंटेज मान लो, तो देखो मान लो सबसे सिंपल 100 मान लो, 100 में से ये तो थी टोटल पास फेल कितने हुए, फेल हुए 30%, तो फेल वाला दे रखा है तो फेल लिख लो 30। अब कह रहा है वाई जो स्कूल है उसके टोटल बच्चे क्या है, 150% ज्यादा है, 100 में और 150 ज्यादा मतलब 250 है। बोल रहा है इफ 80% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स Who appeared from X and Y passed. एक और बार पढ़ो लाइन भाई, हिंदी में पढ़ लो। यदि X और Y से शामिल हुए छात्रों की कुल संख्या के 80% उत्तीर्ण हुए हैं, अपन निकालना चाहते हैं Y के बच्चे कितने फेल हुए हैं। तो अगर टोटल बच्चे के 80% पास हो गए, तो टोटल बच्चों के 20% फेल हुए हैं, तो टोटल के फेल परसेंटेज कितना है, टोटल फेल्ड स्टूडेंट्स कितने हैं, 20% है टोटल के, टोटल क्या है 100 और 250 को मिला के, तो 100 प्लस 250 मिला के 20% बच्चा फेल है। तो 20% मतलब 20/100 × 350 क्या हो जाएगा बेटा, ये दो जीरो से दो जीरो निपट जाएंगी, 35 × 70 बच्चे फेल हुए हैं टोटल। तो फिर y से कितने फेल हुए हैं, फेल फ्रॉम y, सिंपल सी बात है, टोटल बच्चे थे 70, x के फेल हुए 30, तो y से फेल हुए 40, काम खत्म, ये आ गया 40। पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड फ्रॉम y, y के कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, y के टोटल स्टूडेंट्स 250 थे फेल हुए 40, तो पूछ रहा है 40 कितने प्रतिशत है, तो 40/ इसको दूसरे कलर से लिख देता है ना, फेल परसेंटेज, फेल्ड परसेंट ऑफ वाई क्या हो जाएगा, 40/250 × % में निकालना है तो 100, तो भाई दो जीरो से दो जीरो निपटाओ, अच्छा यहां पे एक एक जीरो निपट गई, 25 से कटेगा बेटा, 4 × 4 = 16, जी हाँ 16% बच्चे फेल हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज जो कॉन्सेप्ट से थोड़े ज्यादा बढ़िया थे, अच्छे थे, थोड़ा सा समय लगेगा चीजों को ग्रैस्प करने में, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग जितना पेशेंस रख रहे हैं आप लोग आराम से कर ले जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, अगले लेक्चर में और भी ज्यादा बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हम मिलने वाले हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है और सीरीज अगर अच्छी लग रही है तो इसको शेयर कीजिए और इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में बहुत ही जो भी आपको फील हुआ है, अच्छा बुरा जैसा भी, आप लिख के बताइए। ठीक है, आपसे मिलूंगा मैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए
शुक्रिया।